बहुत कम लोग जानते हैं कि गवादर में पाई जाने वाली नायाब और कीमती मछली करोकर लाखों रुपए में बिकती है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इस मछली का एयर ब्लैडर इंसानी ऑपरेशन खुसूसन हार्ट सर्जरी में स्टिचिंग या टांके लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। मछेरे की पकड़ में आने वाली एक करोकर मछली की कीमत 72 लाख रुपए तक हो सकती है। करोकर एक नायाब मछली है जो मई से जुलाई तक पाकिस्तान के समुद्र में पाई जाती है और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दुनिया भर में इस मछली की काफी मांग है। माहिरीन के मुताबिक इस मछली को करोकर की आवाज की वजह से करोकर कहा जाता है, जो यह अपनी मादा को बुलाने या दीगर साथियों से राबते के लिए निकालती है। हाल ही में जानवरों के तहफ्फुज़ के बैनुल अक़वामी इदारे WWF के रिसर्च एसोसिएट सुधीर बलोच ने पाकिस्तानी माहीगिरों की जानिब से एक साथ 18 करोकर मछलियां पकड़ने की तस्दीक की, जिन्हें 8 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। उनकी कीमत का इन्हिसार इनके एयर ब्लैडर पर होता है, जिसमें हवा भरने की वजह से वो तैरने के काबिल होती हैं। जिस मछली का हजम बड़ा और वजन ज्यादा होगा, उसका ब्लैडर भी बड़ा होगा। माहिरीन के मुताबिक नर करोकर मछलियों के ब्लैडर का साइज बड़ा होता है, इसलिए मादा करोकर के मुकाबले में नर करोकर की कीमत ज्यादा होती है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर और माहिर समुद्री हयात अब्दुल रहीम बलोच के मुताबिक बाज मछलियाँ अपने गोश्त की वजह से बहुत ज्यादा कीमती होती है, लेकिन करोकर के हवाले से मामला मुख्तलिफ है। इस मछली का एयर ब्लैडर ऑपरेशन के दौरान टाकू के लिए इस्तेमाल होता है और चीन, जापान और यूरोप में इसकी बहुत मांग है। करोकर मछली का एयर ब्लैडर इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा में दौरान सर्जरी लगाए जाने वाले टांकों, बिलखसूस दिल के ऑपरेशन में स्टिचिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। महकमा फिशरीज के सीनियर ऑफिसर अहमद नदीम का कहना था कि सर्जरी में इस्तेमाल के लिए करोकर मछली के एयर ब्लैडर्स के धागे बनाए जाते हैं। उनकी खूबी ये है कि ये जेली की तरह जज्ब हो जाते हैं और जख्म को जमा देते हैं। सर्जरी में टांके लगाने के बाद उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके एयर ब्लैडर से बनने वाले सूप को चीन, यूरोप और दीगर सात ममालिक में लोग इस्तेमाल करते हैं। इसे एक पुरतायुश गिजा का दर्जा हासिल है। जिस्मानी ताकत को बढ़ाने के अलावा कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से ये रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए भी मुफीद समझी जाती है। करोकर मछली का एयर ब्लैडर कॉस्मेटिक्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। इस मछली का एक और इस्तेमाल भी इसकी मांग और कीमत में इजाफे की एक बड़ी वजह है। वो ये है कि इसका ब्लैडर शराब की सफाई के काम भी आता है। शराब की सफाई के लिए सूर या गाय की चर्बी का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए कई लोग मजहबी अकायद की वजह से सिर्फ उस शराब को तरजीह देते हैं जो करोकर मछली की ब्लैडर से साफ की जाती है। करोकर के शिकार के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसकी आवाज की मदद से इसकी मौजूदगी का पता चला जाता है। एक मुकामी तरीके के मुताबिक मछली के पूरे गोल को जाल में लाने की कोशिश की जाती है। उसको बलोची जुबान में अड़ंगा कहा जाता है। इसके लिए एक पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मुंह पर एक बोतल बांध दी जाती है। माहिर शिकारी इस पाइप को समुन्द्र में डालकर इसका दूसरा सिरा अपने कान से लगाकर करोकर की आवाज सुनते हैं। इससे वो अंदाजा लगाते हैं कि मछली कहाँ और कितने फासले पर है और कितनी तादाद में है। जगह का तायुन करने के बाद वो उस मुकाम पर जाल फेंकते हैं और मतलूबा शिकार पकड़ लेते हैं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।